जो होटल है बैंकॉक का एम्बेसडर होटल है, तो इसमें मैं अभी लॉबी में बैठा वेट कर रहा हूँ। चेकिंग टाइम 2 बजे है और अभी 1 बज रहे हैं, तो मुझे अभी 1 घंटा और यहाँ पे वेट करना है। उसके बाद मैं जाऊँगा अपने रूम में, लगेज वगैरह अपने जो है रखे, फिर बाहर निकलने का प्लान है। पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से मैंने कुछ ख़ास वीडियो किए नहीं है, क्योंकि रीज़न यही था मैं बहुत टायर्ड था, एग्जॉस्ट था, रात को बहुत लेट सो रहा था, क्योंकि मेरा जो होटल था होटल का लोकेशन थोड़ा सा गलत जगह पे था। कि कैसे गलत था कि उसके आजू बाजू में बहुत होटल वगैरह थे, पब वगैरह थे, तो बार वगैरह, और उनमें रात को ज़ोर से गाना चल रहा होता है। तो जितनी भी आप कोशिश कर लो रूम में आवाज़ आनी आनी है। तो सोते सोते मुझे 2-3 बज जाते थे, तो उसी टाइम जाके साउंड थोड़ा सा कम होता था, बंद होता था, तो उसके बाद, तो इसलिए सुबह को उठना भी लेट हो जाता हूँ और ओवरऑल यानी पूरा दिन ही ख़राब हो जाता है। तो अभी मेरे पास ये 4 दिन मैं यहाँ पे इस होटल में स्टे कर रहा हूँ, और इस होटल में 4 दिन के मुझे यहाँ पे पड़े 6,000 थाईबर्ट, जो कि रीज़नेबल है। 6,000 थाईबर्ट यानी 4 रातों के लिए इनफ है। मेरा जो मैंने एक्चुअली में सोचा था यहाँ पे दूसरा एक होटल है वो बुक करने का, लेकिन उस होटल इस होटल में 300-400 थाईबर्ट का डिफरेंस आ रहा था। तो मैंने कहा 300-400 थाईबर्ट में, ये होटल का लोकेशन तो अच्छा है, प्लस इस होटल में बहुत सी फीचर्स हैं, जैसे स्विमिंग पूल है, इनका अपना जिम है और इनका अपना रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ है। तो मैंने फाइनल डिसाइड किया इसी होटल में अपने बाकी रेस्ट ऑफ द डे वो स्टे करने के लिए। होटल का लॉबी यार, वन ऑफ माई फेवरेट थिंग इस होटल का लॉबी यार। इस होटल के लॉबी में मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया, पहले पिछली दफ़ा मैं जब आया था मैंने बहुत टाइम मैंने स्पेंड किया होटल में लॉबी में बैठ के, क्योंकि बस चिल रिलैक्स कर मतलब वेकेशन पे हो, अमीरी वाली फीलिंग आती है यार बैठ के। सो दोस्तों फाइनली 2 घंटे के बाद अभी मैं अपने होटल रूम में आया हूँ। अभी मैं थोड़ा बहुत होटल का रिव्यू दे देता हूँ। वैसे इस होटल में पहले भी आ चुका हूँ, मेरे पास मेरे पुराने वीडियो भी होंगे इस होटल के, फिर भी ये जो मेरा आज का जो रूम है वो सेम है, स्टैंडर्ड बाथरूम, कुछ हाई कोई कोई फैंसी कुछ नहीं है, जो वॉशरूम जैसा होता है दिखता है वैसे ही है। कॉम्प्लीमेंट्री जो चीज़ें हैं सब है इसमें। यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है और मिरर के पीछे आप अपने कपड़े वपड़े रख सकते हो, लगेज वगैरह रख सकते हो। यहाँ पे अपना लगेज रखूँगा, जैसे मेरे सामान वगैरह मैं सारे निकालूंगा इसके अंदर मैं लगेज रख दूँगा यहाँ पे। उसके बाद आपके पास सेफ्टी बॉक्स है और सेफ्टी बॉक्स में अरबी में लिखा है। छोटा सा फ्रिज है, जब भी इनके पास जगह अच्छी खासी है, इन्होंने फ्रिज छोटा सा रखा हुआ है। यहाँ पे सिर्फ स्पेस रखा है कुछ करने के लिए। एक बड़ा सा डेस्क रखा हुआ है, आप लैपटॉप वगैरह के काम कर सकते हो। एक ख़तरनाक सा टीवी, 2 बेड है मेरे, क्योंकि मैंने मुझे बेड के कोई प्रेफरेंस नहीं था, कोई भी हो, एक सिंगल बेड हो डबल बेड हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। हेयर ड्रायर एक सामने और बड़ा मिरर, कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स वगैरह, कॉफ़ी जो आपको रोज़ रिफिल हो जाएगा, एक सोफ़ा है, बस कम यही यानी बेसिकली यही रूम है। कुछ बहुत ही ख़तरनाक नहीं और कुछ ख़राब भी नहीं, यानी आपको जो जो चीज़ें चाहिए सब कुछ है अच्छे अच्छे रेंज में। अच्छा इसमें यह है एक एसी जो है, एसी यहाँ पे है, सो आपको यानी एसी के जो नॉइस है वो ज़्यादा नहीं आएंगे। और आई होप कि एटलीस्ट मैं कुछ आज रात को आराम से सो सकूंगा, क्योंकि मेरा लास्ट जो होटल था उसमें ये होता था, उसके बाजू में बार था और उसकी जो नॉइस थी रात के 3 बजे तक गाना चल रहा है फुल टून में, और मैं अपने टाइम पे सोने वाला बंदा हूँ, तो मुझे बहुत टायर्ड हो, मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो जाता हूँ उस सब चक्कर में। तो ये देख रहे हैं आप, जितनी दूर तक आपकी ये नज़र जा रही है सामने की बिल्डिंग जो है ये पूरी एम्बेसडर के अंदर ही है। एम्बेसडर मैंगो जो है ये चारों तरफ से ये जो घेरा हुआ बिल्डिंग है सब इन्हीं के हैं। सामने वो मेरे ख्याल से कोई पार्टी हॉल है वो भी इनका है, आप वहाँ पर जा भी सकते हो। ये सामने एक दूसरा एंट्रेंस है, ये ऊपर एक इनका जिम बना हुआ है, जिम के साथ में अभी स्विमिंग पूल है, और ये आप ये जो बिल्डिंग जिसमें मैं हूँ। सो ये टोटल 2 विंग्स का ये पूरा एरिया है, एक है स्काई विंग्स और एक वॉइस स्टोरी पता नहीं कोई विंग है, दोनों मिला के इनका बड़ा सा होटल है जिसमें मैं अपना नेक्स्ट 4 दिन स्पेंड करने वाला हूँ। तो भाई अभी तो भूख तो बहुत लगी है, तो मैं वीडियो यही बंद कर रहा हूँ कि अभी जाके कुछ खाना वाना खाना है यार, के मारे जान जा रही है।